हरे को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन फिर से वह अपने वचनों को देकर आपके बीच में उपस्थित किया है ताकि इस वचन के द्वारा और आपका और आपके परिवार का उद्धार हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्य व महिमा के योग्य है। वह परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम देर रात उसकी महिमा करें। यदि सच में हम देर रात उसकी महिमा में लगे रहते हैं तो ईश्वर का परमेश्वर अपने आशीषों को हमारे जीवन में बनाए रखता है। इसलिए आइए सबसे पहले हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आंखों को बंद करके दोनों हाथ ऊपर करिए, मेरे साथ परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई वजह से आकाश और पृथ्वी को बनाए, तेरे निगाहें तेरा नाम से नाव का यहोवा है, तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता। हे परमेश्वर, तू पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता है और हर एक के चाल चलन के अनुसार उसके कर्म के अनुसार उसके फल को देता है। तो मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा ताकि तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति दाता, समग्र दाता, शांति का दाता, तू हजारों पे करुणा बरसाता है। मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हरे को आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वह धन्य परमेश्वर है जो ये चाहता है कि मनुष्य सदैव आनंदित रहे, एक दूसरे के प्रति मेल मिलाप हमेशा बनाए रहे।
एक दूसरे में से हमेशा अपना बांटता रहे। परमेश्वर की यही इच्छा है कि मनुष्य बुराई को छोड़कर भलाई का मार्ग धारण करे। यदि जो कोई मनुष्य ऐसे ऐसे मार्गों पे चलता है, परमेश्वर की सुनता उसे मानता है, परमेश्वर उसके लिए ईश्वर का झरोखा खोलकर आशीष की बारिश करता है, उसे अपने आशीषों में ढांप देता है। उस मनुष्य के जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ, विपत्तियां होती है, उसे दूर कर देता है। मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर चाहता है, ज्यादातर देखा जाए पूरे संसार के लोगों के भीतर तो जैसा परमेश्वर चाहता है वैसी कोई भावनाएं किसी मनुष्य के भीतर नहीं। परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, और एक दूसरे से प्रेम ऐसा रखो अपने देह के समान प्रेम। उसने आदेश दिया कि भाई अपने देह के समान तुम अपने भाई से प्रेम रखो, और कहता है एक दूसरे की प्रति भलाई के काम हमेशा प्रकट करो, एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की सहायता करो। ये परमेश्वर की आज्ञा है, उसकी मर्जी है। लेकिन पूरे विश्व का नेव जो उठाकर देखा जाए तो आज कोई मनुष्य किसी मनुष्य से प्रेम नहीं करता, ना ही किसी के भीतर भलाई के काम, हर कोई स्वार्थी बन चुका। हर कोई व्यक्ति स्वार्थ में डूबा हुआ है, और जैसा उसका मन करता है वैसा ही वो करता है। आज यही कारण है कि नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की तकलीफ, नाना प्रकार की विपत्तियां हर एक मनुष्य के जीवन में उतरते जा रहे हैं। मनुष्य नाश होता जा रहा है, नाना प्रकार की तकलीफों में, उलझनों में फंसता जा रहा है। मनुष्य परमेश्वर के पास भी आता है और मांगता है, परमेश्वर से विनती करता है अपनी समस्याओं के लिए, लेकिन होता क्या है, विनती नहीं सुनी जाती। कारण क्या है, मनुष्य के काम, क्योंकि मनुष्य का काम इतना बिगड़ चुका है जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता। जिन कामों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, यही कारण है कि मनुष्य परमेश्वर से दुहाई देता है, परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि उसकी दुहाई में भी परमेश्वर के प्रति घृणित भावनाएं छिपी रहती। इसलिए उसकी दुहाई परमेश्वर के पास नहीं पहुंचती और नहीं सुनी जाती है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखना पसंद नहीं करता, उनके अंदर कोई मेल मिलाप की भावना नहीं। आज यही कारण है कि मनुष्य परमेश्वर को पुकारता है और उसकी आवाज उसके पास ही रह जाती, परमेश्वर के पास नहीं पहुंचती। इस बारे में याकूब जो है कि इन सारी चीजों को अपने पत्रियों में वह लिखता है। मेरे प्रियो, अभी आप अगले दिन जो है कि याकूब के पत्र से ही सारी वचनों को सुनते आए, और आज भी मैं क्रम से जो है कि उन अध्यायों को आपके सामने रखता हुआ जा रहा हूं। देखिए, अभी कल आपने याकूब की पत्री अध्याय 3 के वचनों के बारे में आपने जाना, और आज मैं आपके सामने याकूब की पत्री अध्याय 4 को मैं आपके सामने रखता हूँ, और इन वचनों के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो वचन दिया है हर एक मनुष्य के जीवन के बदलाव के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, हम आशा नहीं, पूरे विश्वास में कहते हैं, पूरी आशा के साथ कहते हैं कि इस वचन के द्वारा जरूर है कि आपके जीवन में बदलाव होंगे और अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में वो परमेश्वर उत्पन्न करेंगे। इसलिए आइए हम वचन को देखते हैं, याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 1 से। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आए? तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए?
क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और तुम और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। इसलिए वचन कहती है, तुम लड़ते और झगड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, और तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। वचन कहती है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया केवल ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाहो। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की वचन कहती है, याकूब की पत्री। याकूब जो है कि अपनी इन पत्रियों में परमेश्वर की इन सारी शिक्षाओं को हमें देता है, और इन शिक्षाओं को देते समय जो भी कमियां हमारे भीतर है, हमारी कमियों को हमें याद दिलाता है, हमें बताता है ताकि हम उन कमियों से बाहर निकले। क्या कमी है कि हम परमेश्वर से मांगते हैं हमें मिलता नहीं? क्या कमी है कि हम परमेश्वर के सामने दुहाई देते हैं और हमारी दुहाई सुनी नहीं जाती? क्या कमी है कि हम परमेश्वर के गिराते हैं और मांगते हैं हमें मिलता नहीं? वो सारी कमियों को याकूब जो है इन वचनों के माध्यम से हमें बता रहा है, कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, तुम में से लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? तुम्हारे भीतर लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? क्योंकि तुम्हारा प्रभु जो है क्या सिखाता है, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से मेल मिलाप करो। लेकिन तुम्हारे भीतर ये लड़ाई झगड़े की भावनाएं कहां से आ गई? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों के अंदर लड़ते भिड़ते हैं? कहता है, क्या उस सुख विलासों से नहीं, उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे भीतर तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं, तुम्हारे शरीर के भीतर, तुम्हारे शरीर के जो अंग है, तुम्हारे शरीर के जो अंग जिस सुख और विलास की इच्छाएं रखते हैं, जिस सुख और जिस शांति पाने की इच्छाएं रखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उन सुख शांति के भीतर सुख विलासों में तो नहीं है? कहता है, तुम्हारे भीतर ये लड़ाई झगड़े की भावनाएं कहां से उत्पन्न हो गई? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते मिलते हैं, जो तुम्हारे शरीर के अंग अपनी अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, यानी तुम्हारे तुम्हारे शरीर जो है कि अपने सुख के अनुसार तुमसे मांग करते, तुम्हारे मनों को उकसाते कि भाई हमें ये दे कि हमें आराम मिले, और उन सारी चीजों को परमेश्वर की आत्मा जो है क्या करती है, दबाव डालती है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मनुष्य शरीर की इच्छाओं को पूरा करता है वो आत्मिक जीवन को या आत्मिक इच्छाओं को पूरा नहीं करने पाते। इसलिए यह वचन कहती है कि जो तुम्हारे भीतर ये लड़ाई झगड़े की भावना आई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं जो सुख विलास की इच्छाएं तुम्हारे अंगों के अंदर जागती है, कहीं उसके द्वारा तो नहीं? कहता है, इसके द्वारा तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं।
कहता है इसलिए तुम अपने मन में कोई ना कोई लालसा रखते हो और तुम्हारी लालसा पूरी नहीं होती, इसलिए तुम क्या करते हो, हत्या करना चालू। जब तुम्हारे भीतर लालसाएं जागती है, जब लालसाएं पूरी नहीं होती है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके भीतर लालसाएं जागती है कि हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खाए पिए, अच्छे से अच्छे मकान बनाए, अच्छी अच्छी सुविधाएं ले, सारी व्यवस्थाएं पूरा करें। अगर वह कर नहीं पाते, उनकी कमाई वैसी नहीं होती है, नहीं कर पाते, तो वह चोरी और डकैती के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई हम किसी की संपत्ति लूट लेंगे, अचानक मेरे पास ढेर सारी संपत्ति आ जाएगी तो मेरे सारे सुख विलास जो है, सारी सुख शांति हमारे पास आ जाएगी, हमारी सारी इच्छा है, सारी लालसा है, सारी अभिलाषाएं पूरी हो जाएगी। ऐसी इच्छा करके वह क्या करते हैं कि चोरी का काम चालू कर देते हैं, डकैती का काम चालू कर देते हैं, हत्या का काम चालू कर देते हैं। इसी बात के यहाँ वचन कह रही है कि तुम जो मांगते हो मिलता नहीं है तो तुम हत्या करते हो, तुम हत्या करना चालू कर देते हो और उसके साथ साथ तुम डाह भी करते हो और सब कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तब भी तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। जब तुम मांगते हो नहीं मिलता, कारण क्या है कि तुम्हारे अंदर जो सुख विलास की भावनाएं क्या करती है, तुम्हारे अंगों में हमेशा लड़ते भिड़ते रहते हैं। तुम्हारी आत्मा परमेश्वर की ओर जाने के लिए कहती है, तुम्हारे शरीर तुम्हारे मन क्या करते हैं, संसार की अभिलाषाओं में दौड़ते हैं और तुम अपने मन और अपने शरीर को जब संसार की अभिलाषाओं की तरफ छोड़ देते हो तब उस समय तुम मांगते हो तुम्हें नहीं मिलता है, और जब मांगते हो नहीं मिलता है तो तुम क्या करते हो कि हत्या करते हो, एक दूसरे से डाह करते हो। यानी अगर जैसे मैं दो मनुष्य प्रभु के पास आए, एक मनुष्य जो है कि प्रभु से मांगा और जो कुछ मांगा मिल गया, और दूसरा मांगा नहीं मिला, कई दिन मांगता रहा नहीं मिला, तो जिसको नहीं मिला वह क्या करता है, जब देखता है कि उसके साथ वाले को मिल जाता है तो उसके मन में ये शारीरिक अभिलाषाएं क्या पैदा करती है, डाह पैदा करती, उस व्यक्ति के प्रति डाह पैदा कर देती और वह जलन रखता है, डाह करता है। इसलिए वचन कहती है कि तुम मांगते हो मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, डाह भी करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। इतना कुछ करने के बाद भी तुम प्राप्त नहीं कर, इतना तक कि हत्या तक कर आते हो फिर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने पाता, तो तुम क्या करते हो, झगड़ा करना चालू करते हो, लड़ाई करना चालू कर देते हो। कहता है तुम झगड़ना चालू करते हो, लड़ाई करना चालू कर देते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। अब फिर यहां कह रहा है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं, तुम लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, जब नहीं मिलता है तो लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, और इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। यानी कि तुम जिस तरीके से मांगना चाहिए, जिस भाव से मांगना चाहिए, तुम उस भाव से मांगते नहीं। और वचन आगे कह रही है कि तुम मांगते हो मगर पाते नहीं, मांगते भी हो और उधर वचन कह रही है नहीं मांगते, उधर वचन कह रही है मांगते हो, यानी मांगते हो तुम्हारी मांग आत्मा से नहीं बल्कि तुम्हारी मांग मन की अभिलाषाओं से होती है, तुम्हारे मांगों में तुम्हारा स्वार्थ होता है। कहता है तुम इस शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार मांगते हो इसलिए तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। जैसे वचन आगे कह रही है तीसरी वचन कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए नहीं पाते हो कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में। कहता है
तुम्हारे अंदर जो इच्छाएं होती है वो बेकार की इच्छाएं होती है, वो बुरी इच्छाएं होती है। और तुम बुरी इच्छा से जब मांगते हो तो तुम्हारे अंदर ये भावनाएं होती है कि भाई ये चीजें जो मैं मांग रहा हूं अगर मिल जाता तो मैं ऐसा ऐसा करता। तुम्हारी मांग के भीतर, तुम्हारी इच्छाओं के भीतर वो बुरी लालसाएं छुपी होती है, इसलिए मांगते हो मिलता नहीं। और उसके पहले जो वचन में आपने सुना कि इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, मांगते हो मगर मन की इन शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार मांगते हो, इसलिए नहीं मिलता। और तुम्हें जिन भावनाओं से मांगना चाहिए, जिस विश्वास से मांगना चाहिए, उस विश्वास से तुम मांगते नहीं। आगे वचन कह रही है कि हे व्यभिचारिणी हो, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हे व्यभिचारिणी हो, वह हर एक मनुष्यों के लिए शब्द बोला है याकूब ने, जो कहा हे व्यभिचारिणी हो, ये इसका मतलब ये नहीं कि वह केवल स्त्रियों के लिए बोला है, वह हर एक मनुष्य के लिए बोला है, क्योंकि हम और आप क्या है, दुल्हन है, और हमारा आप प्रभु क्या है, हमारा दूल्हा है। इसलिए उसने हमें व्यभिचारिणियों का नाम दिया क्योंकि हम पापी हैं। कहा कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि इस संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। कहता है तुम संसार की मित्रता में फंसकर, संसार की अभिलाषाओं में फंसकर, संसार की अभिलाषाओं में पढ़कर तुम मांगते हो और संसार की चीजें मांगते हो, इसलिए तुम्हें नहीं मिलती। क्योंकि वचन कहती है कि तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना। वचन कहती है जो कोई मनुष्य संसार का मित्र होने का मतलब संसार के सारी बातों पे ध्यान देने का, जो मनुष्य काम करता है संसार के सुख विलास शारीरिक अभिलाषाओं को ध्यान में रखना, वचन कहती है कि जो कोई मनुष्य संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ना हो। कहता है कि पवित्र शास्त्र जो ये बातें कह रहा है तुम्हें व्यर्थ दिखाई दे रहा है, तुम्हें बेकार में दिख रहा है। क्योंकि बहुत से लोगों को अगर ये बातें उनको समझाना चालू करो तो वह क्या समझते हैं, ये बेकार की बातें बोल रहा है या ये बेकार की बातें करता है, जिसको सुनना अच्छा नहीं लगता, बेकार की बातें। तो इसीलिए यहाँ याकूब कह रहा है कि क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ की बातें बोलता है या बेकार की बातें तुमसे कह रहा है। कहता है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ना हो। क्या परमेश्वर की ओर से जो आत्मा, जो पवित्र आत्मा तुम्हें मिलती है या जो सहायक के रूप में आत्मा मिलती है, क्या उस आत्मा के अंदर ये लालसा होती है कि वह किसी से डाह करे। क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो आत्मा दी जाती है वह उस आत्मा के अंदर क्या होता है, मेल मिलाप होता है, दया होता है, करुणा होता है, नम्रता होता है, आनंद होता है, प्रेम होता है, धीरज होता है, भलाई होता है, संयम होता है, उसके भीतर 9 फल होते हैं। जो आत्मा वह हमारे भीतर बसाता है या जो आत्मा परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, उस आत्मा के अंदर 9 गुण होते हैं। वह आत्मा 9 फलों से लदा हुआ होता है। और वह आत्मा जिसके भीतर आता है उस मनुष्य के भीतर लड़ाई झगड़े या सुख विलास की भावनाएं या सांसारिक अभिलास या सांसारिक अभिलाषाएं या कोई भोग विलास की भावनाएं नहीं होती। और
और ना ही वह सांसारिक चिंताओं में वह फंसा रहता है। इसलिए वचन कहती है कि तुम्हें जो ये बातें समझाया जा रहा है, जो पवित्र शास्त्र की बातें, क्या तुम्हें व्यर्थ दिखाई दे रहा है? तुम इस बात पे ध्यान दो कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया, क्या वह ऐसी लालसा रखता है कि जिसका प्रतिफल डाह हो, क्या वह डाह करता है? इसलिए कहता है कि तुम मांग रहे हो, तुम्हारे मांगो में क्या है कि तुम संसार की अभिलाषाओं में फंस करे, तुम इस स्वार्थ की से भरी हुई, स्वार्थ से जुड़ी हुई, ये अभिलाषा से जुड़ी हुई मांग करते हो, इसलिए नहीं मिलता। परमेश्वर से जो मांग तुम्हें करनी चाहिए, तुम उस मांग को मांगते नहीं। तुम परमेश्वर से ओ मांग नहीं मांगते। क्या मांगते हो? इस संसार से जुड़ी हुई बातों के प्रति मांग करते हो। इसलिए कहता है कि वह तो और भी अनुग्रह देता है, यानी वह कहता है कि जो आत्मा उसके द्वारा मिलती है, क्या उसके अंदर डा उसका प्रतिफल होता है? कहता है डा नहीं, बल्कि वह आत्मा जो उसके द्वारा तुम्हारे भीतर मिलता है, वह तो और प्रतिफल देता है, वह अनुग्रह पे अनुग्रह देता है। उसके उसके भीतर हमेशा अनुग्रह की छुपा होता है। जब वो आत्मा आती है तो अनुग्रह को उत्पन्न करती है। इस कारण कि पवित्र शास्त्र कहता है, लिखा हुआ है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता और दीनों पर अनुग्रह करता है। इस कारण परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। जितने अभिमान से भरे हुए लोग हैं, और अभिमान से भरे हुए वे ही लोग होते हैं जो संसार की अभिलाषाओं में, संसार की भोग विलास में जुड़े रहते हैं। जो संसार की भोग विलास में जुड़े रहते हैं वह अभिमान से भरे हुए होते हैं। वह अपने सामने वह किसी को कुछ समझने की कोशिश नहीं करते। इसलिए वचन यहां कह रही है कि जो आत्मा परमेश्वर के द्वारा तुम्हारे भीतर मिलता है, उसका जो प्रतिफल होता है वह डा नहीं होता, ईर्ष्या से भरा हुआ नहीं होता, बदले से भरा हुआ नहीं होता, बल्कि उसमें मेल मिलाप छुपे होते हैं, उसमें प्रेम छुपा होता है, दया, नम्रता, करुणा, सारी बातें ये छुपी होती है। वह बल्कि और अनुग्रह करने वाला होता है। इस कारण जो कि पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता और जितने परमेश्वर के सामने दीन बनने वाले हैं उनके ऊपर अनुग्रह करता है। यहां पर याकूब कह रहा है नहीं मिलता क्योंकि तुम दीन नहीं बनते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने तुम झुकते नहीं, दीन नहीं बनते, अपने आप को उस परमेश्वर के सामने दीनहीन नहीं बनाते। तुम मांगते हो तो परमेश्वर के सामने तुम्हारी मांग होती है, तो तुम्हारे मन की अभिलाषाओं के अनुसार होती है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके सामने बिल्कुल दीन बने, तुच्छ बने, पापी बने, अपने पाप का अंगीकार करे और पाप के कारण अपने जीवन के जो नाश का कारण है अपने पाप को ठहराए। क्योंकि ऐसा काम, ये भावनाएं कब उत्पन्न होती है? जब परमेश्वर अपनी आत्मा भीतर देता है। इसलिए वचन कहती है कि हे मेरे भाइयों, तुम क्या करो कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कहता है परमेश्वर हमारा जो ऐसा परमेश्वर है वह अभिमान करने वालों का विरोध करता है। जो अभिमानी मनुष्य होता है वह परमेश्वर के सामने जो कुछ मांगेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि वह उसके मर्जी के अनुसार मांगता ही नहीं, परमेश्वर के मर्जी के अनुसार नहीं मांगता, इसलिए नहीं मिलता। और जो कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने दीनहीन बनता है, परमेश्वर के समीप आता है, उसके अधीन हो जाता है, परमेश्वर को ही अपना सहारा मान लेता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को स्वर्ग से आकाश का झरोखा खोलता है और आशीष की वर्षा करता है। इसलिए वचन कहती है कि भाई तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। जो शैतान तुम्हारे अंदर अभिमान पैदा करता है,
तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर के विरोध की भावनाएं पैदा करता है, उस विरोध की भावनाओं को अपने अंदर से मार डालो। तुम परमेश्वर के सामने जाना चाहते हो या खड़े हो गए हो मांगने के लिए, और तुम्हारे अंदर आलस्य की भावनाएं आती है या नींद की भावनाएं आती है, या तुम मांगते हो तो तुम्हारे अंदर की भावनाएं तुम्हें परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाहट डालने के लिए रोक रही है, या परमेश्वर के सामने खुद को पापी ठहराने से रोक रही है, तो यहां वचन कह रही है तुम शैतान का सामना करो। जो भी भावनाएं शैतान पैदा करता है अपने अंदर से बाहर करो, उसे निकालो। कहता है उसका सामना करो तब वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सारी बातों को याकूब जो है कि हमें बता रहा है कि भाई हम परमेश्वर के सामने आते हैं। कुछ लोग हैं क्या करते हैं कि कहते हैं भैया हम 3 टाइम प्रार्थना कर रहे हैं या 2 टाइम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी मेरी समस्याएं दूर नहीं हो पा रही। मैं भजन भी गाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ। पूछो भैया मन से करते हो या बेमन से, मन लगता है या बेमन से? कहते हैं क्या करी भैया, करी ला मनवा लगा ला इधर उधर भटका। यानी कि आप 1 घंटे प्रार्थनाएं करते हो, अगर आपका मन परमेश्वर की तरफ नहीं लगा, आपके 1 घंटे की प्रार्थना बेकार। मन नहीं लगता, उसी जगह पे परमेश्वर कहता है जो शैतान तुम्हारा मन नहीं लगने देता, जो शैतान तुम्हारे भीतर परमेश्वर का प्रेम उत्पन्न नहीं होने देता, उस शैतान को क्या करो, अपने अंदर से बाहर निकालो, उसका सामना करो। जो भावनाएं पैदा करता उस भावनाओं को अपने अंदर से खत्म करो। सामना करने का मतलब युद्ध करना नहीं, बल्कि जो शैतान के द्वारा आपके मन में, आपके हृदय में जो भावनाएं या आपके शरीर में जो भावनाएं वो पैदा करता है, उन भावनाओं को अपने अंदर से बाहर करो। जबरदस्ती आलस्य होता है, मन नहीं लगता। आप पूरी तरह से गहराई से परमेश्वर की तरफ बार बार ध्यान लगाओ, बार बार ध्यान लगाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मेरी मदद कर कि मेरा ध्यान तो तेरे ऊपर लगे। शैतान मेरे मन को इधर उधर भटका रहा है, प्रभु मेरी मदद कर ताकि हम तेरी दृष्टि में हो जाए, तेरे समीप हो जाए, हम तुझे देखने पाए। इतना बार बार कोशिश करो, उस शैतान का सामना करो, तब क्या होगा, वह शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सच में यदि मनुष्य सामना करना चालू कर दे तो वह शैतान जो आलस्य की भावना, निद्रा की भावना या तमाम तरह की जो भावनाएं मन के अंदर डालता है, जो प्रार्थना के अंदर रुकावट या परमेश्वर के समीप जाने में रुकावट या परमेश्वर से विनती प्रार्थना कुछ मांगने में जो रुकावटें डालता है, अगर मनुष्य जबरदस्ती करना चालू कर दे और शैतान आपके पास से भाग निकलेगा। इसलिए वचन कह रही है कि हे पापियों, कह रहा है आगे वचन कह रही है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। 8वीं वचन कह रही है कि परमेश्वर के निकट आओ, तुम उस शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, और तुम परमेश्वर के निकट आने की कोशिश करो। तुम अपने आप को परमेश्वर के नजदीक बार बार नजदीक होने की कोशिश करो। मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, बार बार कोशिश करो, परमेश्वर से मदद मांगो, प्रभु मेरी सहायता कर कि तुझसे मेरा ध्यान लगे। वचन कहती है परमेश्वर के निकट आओ, जब तुम निकट आओगे तो वह परमेश्वर तुम्हारे निकट आ जाएगा। तुम बार बार निकट आने की कोशिश करो तो अवश्य है कि परमेश्वर तुम्हारे निकट आ जाएगा। इसलिए वचन कहती है हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित्त लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। आगे कह रहा है कि निकट कैसे आओगे, वो तरीका बता रहा है कि तुम परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो और परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट कैसे आना है और परमेश्वर तुम्हारे निकट कब आएगा, ये आने का तरीका बताया है। कहा कि हे पापी लोगों तुम क्या करो, पहले अपने हाथ को शुद्ध करो, यानी जो तुम्हारे द्वारा अभी पाप हो रहे हैं, जो तुम बुराई अभी कर रहे हो, आज से बुराई करना बंद करो। पहला काम बुराई से अपने आप को रोक दो,
रही है कि हे पापियों अपने हाथ को शुद्ध करो, हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। कह रहा है कि जो तुम आज तक कभी पाप करते आ रहे हो, तुम बुराई पे बुराई करते जा रहे हो, उन बुराई के कामों को पहले रोक दो। कह रहा है हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। हे दुचित्ते लोगों जो अपने अपने मन के भीतर हमेशा दो चित्त की भावनाएं रखते हो, जैसे में परमेश्वर के पास कुछ ऐसे व्यक्ति होते जो परमेश्वर के पास खड़े होते मांगने के लिए, मांगते तो है परमेश्वर से विनती करते, जो भी जरूरतें होती है उन सारी जरूरतों के लिए विनती करते या सारी समस्याओं के लिए विनती करते, लेकिन उनके मन वाली जो भावनाएं उनको क्या करती है, संदेह में डालती है। यानी एक आत्मा आत्मा की भावनाओं से तो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, लेकिन मन वाली भावनाओं से क्या होता है, संदेह पैदा करते। प्रार्थना तो कर थीला, देखा ठीक हो जावा, यानी प्रार्थना तो कर रहे देखो ठीक हो जाता है, चला प्रार्थना कर थीला तनी चल के थोड़ा सा दवाइयों ले लेंगे या हाई कमवा कर ले। यानी दो चित्त की भावनाएं हमेशा, दो तरह का विश्वास, दो तरह यानी संदेह उनमें छुपा रहता है। तो इसके लिए वचन में ये याकूब कह रहा है कि हे दो चित्ते लोगों पहले अपने हृदय को शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो। तुम प्रभु की तरफ आ रहे हो तो संपूर्ण मन से आओ, संपूर्ण विश्वास से नजदीक में आओ। पहला काम तुम अपने अपराधों को अपने द्वारा होना बंद करो, जो आज तक है तुम्हारे मन के अंदर दो बातें जो घुसती हुई आ रही है, मन में बुराइयां जो भी भरी हुई है, उन बुराइयों को निकाल कर अपने मन को बिल्कुल पाक और पवित्र करो, जैसा वह परमेश्वर पवित्र है, जैसा वह जगह ढूंढता है वैसा अपने हृदय को अपने मन को बना लो। कहता है कि वैसा अपने हृदय के लिए पहला काम क्या करना होगा, कह रहा है कि तुम परमेश्वर के सामने जब खड़े होते हो तो दुखी हो। कहता है दुखी होना, भले से आनंद तुम्हारे जीवन में रहे फिर भी तुम परमेश्वर के सामने जब खड़े होना तो तुम दुखी होना, और दुखी होने के बाद तुम शोक करना, और शोक करने के बाद तुम रोना। कह रहा है दुखी होना और दुखी होने के बाद शोक करना और शोक करने के बाद तुम रोना। मेरे प्रियो किस बात के लिए कह रहा है, जो आज तक तुम जो है कि बुरे बुरे जीवन जीते आए हो, जो तुम पुराने पलते हुए आए और करते हुए आए, कह रहा है कि उन कामों के लिए कि जब तक तुम यीशु मसीह को नहीं जानते थे उसके पहले जो तुमने जीवन जिया और जितने बुराई के काम किए और जो भी जीवन जिया और सारा जीवन किसके खिलाफ था, परमेश्वर के, सारा जीवन तुमने परमेश्वर के खिलाफ जिया। कह रहा है कि उस जीवन के लिए जो तुमने समय बुराई में चलकर बुराई में पढ़कर जो समय बिताया उसके लिए कह रहा है कि तुम दुखी हो ना, कि अरे हम परमेश्वर के खिलाफ जीवन जी के बड़ा गलत काम किए। जैसे किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो वो काम अगर तब वो आदमी जब उस अपने कामों की तरफ ध्यान देता है तो क्या होता है, दुखी होता है। किस पे दुखी होता है, बिगड़ने पर, कि भाई ये हमने ऐसा गलती कर दिया, हमने ये बिगड़ गया, या अगर हम ये काम नहीं किए होते तो ये बिगड़ा नहीं होता। तो बिगड़ने के बाद मनुष्य क्या होता है, दुखी होता है कि अरे यार हमारे इतना का घाटा हो गया हमारी गलती से। उसी बात के लिए यहाँ परमेश्वर की वचन कह रही है कि पहले तुम अपने कामों के कारण जो आज जीवन जी रहे हो उसके लिए दुखी होना, फिर उसके बाद तुम उस जीवन के लिए शोक करना कि आज तक तुमने 25 साल 30 साल या 35 साल 40 साल कितना भी साल, यानी जितनी आपकी उम्र हो, आप जो वचन को सुन रहे हो आप में इस समय आपकी जितनी उम्र हो, या आज जिस दिन आप यीशु मसीह को स्वीकार किए उसके उस दिन तक आपकी जितनी उम्र रही होगी,
उस समय की बातों के लिए कि आपने उसके पहले जितना जीवन जिया है सब क्या किया है, अपनी मनमानी करके परमेश्वर के खिलाफ जीवन जिया और सारा जीवन परमेश्वर के खिलाफ जिया, तो सारा जीवन क्या हो गया, बेकार हो गया। तो अपने उन बेकार हुए वाले होने वाले जीवन के बारे में तुम क्या करना, तुम दुखी शोक करना कि बताओ इतना कीमती जीवन परमेश्वर ने दिया और हमने क्या कर दिया, अपनी मनमानी करके, हमने अपनी मनचाहा काम करके, अपने भोग विलास के चक्कर में, शारीरिक अभिलाषा के चक्कर में हमने उन जीवन को, अनमोल जीवन को बेकार कर दिया। जैसे में आपका कोई कीमती चीज अगर बेकार हो जाती है, टूट जाती है या नुकसान हो जाती है और फिर बनने के लायक नहीं होती है तो क्या करते हो, शोक करते हो, शोक करते हो। या आपके घर का कोई अच्छा सदस्य है जो बिल्कुल अच्छा है, अगर अचानक अचानक अकाल मृत्यु हो जाती है तो आप क्या करते हो, उसके लिए शोक करते हो, उसके लिए शोक करते हो, उसके ना रहने के कारण क्या करते हो, उसके लिए शोक करते हो। आपके चेहरे पे ना हंसी होती है, ना आपके जीवन में कोई आनंद होता है, आप शोक में डूब जाते हो। ठीक उसी प्रकार यहाँ याकूब कह रहा है कि तुमने वो जो अनमोल जीवन क्या कर दिया, रद्द कर दिया है, उस जीवन के लिए क्या होना, शोक में बैठना। और अगले फिर आगे क्या कह रहा है, उसके बाद रो, कह रहा है उसके बाद रो। किसके लिए रोना है, कि जो बचा कुचा जीवन है, जो बचा कुचा जीवन है इसको बचाने के लिए पिछले जीवन में किए हुए कुकर्मों को कहकर परमेश्वर के सामने रो। इस जीवन को बचाने के लिए, जो बचा हुआ जीवन है, इस जीवन को बचाने के लिए अपने पापों को याद करके, कबूल करके, माफी मांग मांग कर उस परमेश्वर के सामने रो। कहता है कि तब तुम परमेश्वर के समीप, उसके निकट कब जाओगे, कि जब तुम अपने पाप करने की प्रक्रिया को छोड़ दोगे और अपने हृदय को तुम क्या करोगे, बदल दोगे, और उसके बाद तुम अपने पिछले जीवन के बारे में जो तुमने बिता दिया दुखी होगे, और जितना जीवन यानी अपनी जितनी उम्र तूने बेकार कर दिया है उन सारी उम्र के विषय में तुम क्या करोगे, शोक करोगे, और बचे हुए जीवन को बचाने के लिए तुम प्रभु परमेश्वर के सामने अपने उन कुकर्मों को याद कर करके रो, गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो। आगे वचन में कह रहा है तुम्हारी हंसी शोक में बदल जाना चाहिए और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाना चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में कोई आनंद है तो उसको उदासी में बदल दो, तुम्हारे चेहरे पे हंसी है उसे शोक में बदल दो। क्यों? क्योंकि अभी तुम आनंदित हो, अभी तुम्हारे चेहरे पे हंसी है ना, इसी तरह जीवन रहा तो कहां जाओगे, नरक में जाओगे। अभी तुम आनंद ले रहे हो ना, अभी आनंद मना रहे हो इस शरीर की अभिलाषाओं में पड़ के, अभी कल क्या होगा, घोर विपत्ति में जाना पड़ेगा। इसलिए कहता है कि अपने हंसी को शोक में और अपने अपने आनंद को तुम उदासी में बदल दो। कहता है तो प्रभु के सामने दीन बनो, कह रहा है बिल्कुल उस प्रभु के सामने दीन बनो, तब वह प्रभु तुम्हें क्या करेगा, शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, वह प्रभु तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जब परमेश्वर के सामने होना चाहिए तो इस भावनाओं में, जैसा वह बता रहा है, जैसा याकूब अध्याय 4 के 6 वचन से 10 वचन तक जैसी बातों को बता रहा है, इन सारी चीजों को हमें अपनाना चाहिए। हमें इन सारी बातों को अपनाना चाहिए कि हमें प्रभु के सामने दीन बनना चाहिए, क्योंकि प्रभु क्या करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। हमें उस शैतान का सामना करना चाहिए, हमें परमेश्वर के अधीन होना चाहिए, हमें परमेश्वर के निकट होना चाहिए, परमेश्वर के अधीन होकर, परमेश्वर के अधीन होकर कि भैया अब हमारा परमेश्वर ही जीवन का पालनहार है, मैं अब परमेश्वर को भली भांति जान गया, ये परमेश्वर के सहारे मुझे जीना है, वही मेरी सांसें हैं, वही मेरा जीवन है। कहता है परमेश्वर के
अधीन हो जाओ और उस शैतान का सामना करो, यानी जो काम शैतान के द्वारा तुम्हारे भीतर उत्पन्न होते हैं उन शैतान के कामों को मार डालो। तुम परमेश्वर के निकट आओ तब वह तुम्हारे निकट आएगा, और निकट आने के लिए क्या करना होगा, अपने पाप रूपी हाथों को शुद्ध करना। शुद्ध करने का मतलब कि बुरे कामों से अपने आप को रोक देना, अपने हृदय को बिल्कुल शुद्ध कर देना कि भाई किसी के प्रति न डर, न ईर्ष्या, न द्वेष, न भावना, न जलन और ना ही दो चित्त की भावनाएं। कह रहा है कि परमेश्वर के पास तुम आ रहे हो तो तुम्हारा संपूर्ण मन उसके ऊपर लगा रहना चाहिए, संपूर्ण विश्वास उसके ऊपर लगा रहना चाहिए। उसके बाद उसके सामने अपने पापों के लिए दुखी हो और अपने बेकार वाले जीवन के लिए शोक करो और अपने बचे हुए जीवन को बचाने के लिए उस बेकार वाले जीवन के प्रति माफी मांगो। प्रभु माफी दे दे, अगर तुम मेरे उस जीवन को की तरफ माफी दे देगा तो मेरा सारा जीवन जो है आनंद में भर जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है कि हंसी को शोक में बदल दे, आनंद को उदासी में बदल कर तुम प्रभु के सामने दीन बन, वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, वह तुम्हें स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाएगा और स्वर्ग में तुम्हें बड़ा प्रतिफल देगा। वो याकूब जो है कि इन सारी बातों को हमें समझाते हुए संसार की मित्रता और स्वर्ग की मित्रता यानी सांसारिक जीवन और आत्मिक जीवन के बारे में इन सारी बातों को हमें बता रहा है कि यदि तुम परमेश्वर को जान गए हो तो अब तुम संसार के नहीं हो बल्कि आत्मा के हो, स्वर्ग के हो। इसलिए संसार की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, आत्मा की अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जियो और आत्मा में होकर उस परमेश्वर से प्रार्थना करो, आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करो, संसार के सुख विलास या भोग विलास के लिए नहीं। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा मिली हुई आत्माएं ये संसार की चीजों को उत्पन्न नहीं करती बल्कि आत्मा के गुणों को उत्पन्न करता है। इतनी बातें कहने के बाद वह याकूब जो है वह भाइयों पर यानी दोष लगाने के बारे में वह बता रहा है। आगे वचनों में वह दोष के बारे में वह सारी बातें हमें बता रहा है, हमारे ऊपर उलाहना दे रहा है। कह रहा है हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो। कह रहा है हे भाइयों इस बात को अपने अंदर ध्यान में रखना कि एक दूसरे की बदनामी कदापि मत करना। जो मनुष्य अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है। कहता है कि जो कोई मनुष्य अपने भाई की बदनामी करता है और भाई पर दोष लगाता है, कहता है वचन कहती है दोष लगाता है और बदनामी भी करता है तो वह परमेश्वर की व्यवस्था की बदनामी करता है। हालेलुया। वचन कह रही है कि भाई की बदनामी करना यानी वह सगा भाई की बातें सिर्फ नहीं कर रहा है, यानी संसार के हर मनुष्य को, हर मनुष्य के लिए वह कह रहा है कि जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य की यदि बदनामी करता है या उसके ऊपर दोष लगाता है तो वह मनुष्य परमेश्वर के व्यवस्था की बदनामी करता है। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, कहता है एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, एक दूसरे पर दया करो, एक दूसरे की भलाई करो, वह परमेश्वर की ये शिक्षा है। इसलिए अगर मनुष्य ऐसा न करके अगर बदनामी करता है, अगर दोष लगाने का काम करता है तो परमेश्वर की जितनी व्यवस्था है उन सारी व्यवस्था की बदनामी करता है। क्योंकि वचन कह रही है कि वह व्यवस्था की बदनामी भी करता है और व्यवस्था पर दोष भी लगाता है, वह परमेश्वर की सारी व्यवस्था पर वह दोष लगाता है। क्योंकि वह ऐसा करके परमेश्वर की सारी व्यवस्था पर दोष भी लगाता है। कहती है वचन कि यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं। अगर तू व्यवस्था पे दोष लगाता है तो उस व्यवस्था पे चलने वाला नहीं है बल्कि तू तो हाकिम ठहर गए। यानी तू व्यवस्था पर अगर दोष लगा रहा है तो उस पे चलने वाला नहीं बल्कि उसका हाकिम ठहरा, यानी तू व्यवस्था का निर्माण करने वाला बन गया। क्योंकि ये व्यवस्था का निर्माण करने वाला तो एक ही है, कौन, वो परमेश्वर है और वही है जो उन सारी चीजों पे वह क्या करता है, दोष लगाने का काम कर सकता है, वह न्याय करने का काम कर सकता है। एक मनुष्य ऐसा काम नहीं कर सकता।
कह रहा है कि अगर तू ऐसा काम करेगा तो ये समझ जा कि ऐसा काम करने वाला मनुष्य वही हाकिम बन गया। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है जो बचाने और नाश करने में सामर्थ है। कहता है जो बचाना और नाश करना दोनों उसके हाथ में है, वही एक है जो व्यवस्था देने वाला होता है, और हाकिम वही होता है कि जिसके अंदर बचाने की भी पावर है और नाश करने की भी पावर है, और ये दोनों पावर किसके अंदर है? परमेश्वर के अंदर। तो इसलिए यदि कोई मनुष्य उस परमेश्वर की दी गई व्यवस्था के ऊपर यदि दोष लगाता है या उसके नियम के बारे में यदि बदनामी करता है तो ऐसा मनुष्य उस परमेश्वर की व्यवस्था की बदनामी करता है, और ऐसा करके वह मनुष्य परमेश्वर के ऊपर अंगुली उठाता है, क्योंकि वचन कहती है पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है, क्योंकि दोष लगाने वाला एक है जो स्वर्ग में बैठा है। किसी कोई मनुष्य नहीं है जो किसी मनुष्य के ऊपर दोष लगा सकता है, क्योंकि वचन में आप देखोगे मत्ती के अध्याय 7:7 वचन कहती है कि तुम दोष मत लगाओ कि तुम्हारे ऊपर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। कहता है कपटी पहले तू अपने आंख का लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई के आंख का तिनका भली बात देख कर निकाल ले पाएगा। वचन कहते हैं कि तुझे अपने ही आंख का लट्ठा नहीं सोचता, तेरे आंख में लट्ठे पड़े हुए हैं, तू अपने भाई की आंख का तिनका देख रहा है और उसे निकालने की भी बात कर रहा है कि तेरे आंख में तिनके पड़े हैं यार निकाल दे। अरे तेरी आंखें खुद लट्ठे से भरी हुई है, तेरी आंखें खुद माड़े से भरी हुई है, पहले अपनी आंखों को साफ कर ले तब तू जाकर अपने भाई की आंख का तिनका भली निकाल ले पाएगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है दोष लगाने वाला तू नहीं, दोष लगाने वाला मैं हूं। कोई मनुष्य नहीं है जो किसी मनुष्य की बातों पे या मनुष्य के कामों पे दोष लगाए, क्योंकि जैसा व्यक्ति ही दूसरे मनुष्य के ऊपर वैसा ही उसके ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। इसलिए यहाँ वचन कह रही है कि यहाँ पर दोष लगाने वाला कोई मनुष्य नहीं, सिर्फ परमेश्वर है जो किसी के ऊपर दोष लगा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पे दोष लगा रहा है तो परमेश्वर के व्यवस्था का उल्लंघन करता है, उसकी व्यवस्था पे दोष लगाता है, और ऐसा व्यक्ति तो अगर देखा जाए तो वह व्यवस्था का गढ़ने वाला बन गया, यानी हाकिम ठहर गया। तो हाकिम तो उसी को कहा जाता है जो बचाने और मारने दोनों की सामर्थ रखता है, यानी मनुष्य दोष लगाकर परमेश्वर के नजर में वह गिर जाता है। इसलिए वचन कह रही है कि ऐसा काम कौन करने वाला होता है जो बार बार लोगों के ऊपर दोष लगाता है और उलाहना देने का काम करता है, बदनाम करने का काम करता है। ऐसा व्यक्ति वही होता है जिसके भीतर परमेश्वर का भय नहीं होता, बल्कि वह अभिमान से भरा हुआ होता है, वह घमंड से भरा हुआ होता है, जो तमाम तरह की बातें वह करता है और अपने आप को अपनी दृष्टि में महान करता है। कि मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम एक दूसरे का बदनाम करने वाला या दोष लगाने वाला कदापि मत बनना, क्योंकि ये काम सिर्फ परमेश्वर करने वाला है और वही कर सकता है। इस सारी बातों को वह याकूब समझा रहा है। आगे वचन में वह घमंड के विरुद्ध वह चेतावनी देते हुए कह रहा है कि तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, कह रहा है कि मेरे भाइयों तुम जो यह बार बार कहते हो कि आज हम जाएंगे और या कल जाएंगे, और आज या कल जाकर हम किसी नगर में जाएंगे और वहां एक वर्ष तक हम रहेंगे, रहकर हम व्यापार करेंगे और व्यापार करके ढेर संपत्ति कमाएंगे और खूब बड़ा धनवान बन जाएंगे, कहते हैं तुम ये बातें आपस में कहते हो। तुम क्या कहते हो? ये बातें कहते हो कि भाई हम आज ही चले जाएंगे या कल जरूर जाएंगे और जाकर वहां हम बसेंगे, एक साल बिताएंगे और खूब ढेर सारा धन कमाएंगे और सबसे बड़का धनवान बन जाएंगे। आगे ये वचन में वो कह रहा है कि तुम ऐसा सोचते हो और ऐसा कहते हो बिना भय के,
और वचन में कह रहा है कि और यह नहीं तुम जानते हो कि कल क्या होगा, तुम्हें कल का, लेकिन कल का अहंकार तुम्हारे भीतर है। कल हम इतनी संपत्ति हम बटोर लेंगे, हम सबसे बड़ा धनवान बन जाएंगे, कोई हमारे सामने टिकेगा नहीं। कहते हैं बहुत से ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, इसलिए कह रहा है कि तुम ऐसा ऐसा कहते हो ना कि आज जाएंगे कल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम ऐसा बन जाएंगे वैसा बन जाएंगे, हम ऐसा बन के दिखाएंगे, कोई मेरे सामने टिकने नहीं पाएगा, या हम ऐसे आदमी हैं, हम जो है कि ऐसे महान हैं या ऐसे बड़े आदमी हैं, हमारे सामने किसी की औकात नहीं है, हम ये कर देंगे या उसके घर को उजाड़ देंगे या उसको खरीद लेंगे, यानी ये तमाम तमाम तरह की भावनाएं मनुष्य के भीतर जागती है। तो उसी के लिए वह कह रहा है कि भाई आज और कल के बारे में ये बातें तुम अहंकार से बोलते हो, तो ये बातें जान लो कि ये बात तुम नहीं जानते कि कल की बातें जो कर रहे हो तो कल क्या होगा। जैसे मैं एक किसान था, एक किसान था, एक बार की बात है, यीशु मसीह अपने चेलों को उपदेश दे रहा था और उपदेश देते समय उन्हें एक दृष्टांत बताना। एक किसान था जिसने अपने खेत में उपज लगाई और उस साल जो है कि उसकी उपज काफी अच्छी आती। जब वो किसान अपने उपज को देख लेता, करते हैं कि जब तक ये उपज पकेगी, जब तक ये कटनी होगी, तो उसके पहले हमें काम करते हैं कि अपने बकरी है जो उसे गिरा देते, ढावा देते, बड़ी बकरी बनाएंगे और जब बड़ी बकरी बना देंगे तो अपनी सारी को भी उसमें रखेंगे और अपनी सारी संपत्ति रखेंगे, और जब सब कुछ रख लेंगे तब मैं अपने मन से कहूंगा, हे मन अब चैन से तू खा पी आनंद कर, क्योंकि तेरे पास तो ढेर सारी संपत्ति हो गई है, किसी भी वस्तु की तुम्हें घटी नहीं है, तुम्हारे पास ढेर सारा चीज हो गया खाने पीने के लिए, अब खा पी मौज कर। इतने में स्वर्ग से आवाज उसके पास आती है कि हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तू इकट्ठा कर रहा है किसके काम आएगा। तुम्हारे अभिमान में, मारे अहंकार में तू कह रहा है कि मेरे पास इतनी संपत्ति हो गई है, मैं बिना कुछ किए मुझे खाना पीना और जीवन जीना होगा। अरे तू कैसे जानता है कि तू जीवन जिएगा भैया, तू कैसे जानता तेरे पास ढेर संपत्ति हो गई है तो तू हजारों साल जिंदा रहेगा, ढेर संपत्ति से कौन कैसे तू जिंदा रहेगा। क्योंकि प्रभु ने अपने चेलों को ये बात सावधान करते हुए कहा कि तुम सावधान रहना, तुम भरमाए न जाना, तुम अपने आप को बचाए रखना, क्योंकि किसी भी मनुष्य का जीवन उसके संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। कोई भी मनुष्य अनंत जीवन ढेर सारी संपत्ति रहने से नहीं प्राप्त कर लेता, या धनवान हो जाने से वह स्वर्ग का जीवन नहीं प्राप्त करेगा, या ढेर सारी संपत्ति बटोर लेने से वह स्वर्ग में नहीं जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा, संपत्ति से स्वर्ग नहीं मिलता। इसलिए तू वो ढेर सारी संपत्ति इकट्ठा कर लिया तो तू कह रहा है कि अब मैं इतना दिन तक जीऊंगा और खाऊंगा पीऊंगा रहूंगा, तो तू कैसे कह रहा है आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, जो कुछ तू इकट्ठा कर रहा है किसके काम आएगा। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर यह कह रहा है, परमेश्वर की वचन कह रही है कि भाई एक कल के बारे में तू नहीं जानता कल क्या होगा, और तू आज और कल की बातें कह रहा है, मैं जाऊंगा व्यापार करूंगा, इतना कमाऊंगा उतना कमाऊंगा, इतना लाभ ले लूंगा। कह रहा है कि तुम जो ये बातें कहते हो, अरे कल के बारे में नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। कहता है तुम नहीं जानते, अरे तुम तो मेरी बात को ध्यान से सुन लो, अरे तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो उस भाप के समान हो जो थोड़ी देर तक दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है, तुम तो उस भाप के समान हो जो पानी में से भाप उठती है और कुछ देर तक दिखाई देती है और उसके बाद खत्म हो जाती है, वैसे तुम्हारा जीवन है उस भाप के समान। अरे अभी तुम इस पृथ्वी पर दिखाई दे रहे हो और कुछ समय के बाद तुम खत्म हो जाओगे, नहीं दिखोगे,
इसलिए कहता है तुम कल के बारे में जो घमंड करते हो, जो चिंता करते हो, तो तुम ऐसा क्यों करते? क्योंकि कल के बारे में नहीं जानते कि कल क्या होगा। कल को कौन जानता है कल क्या होने वाला है? इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो उस भाप के समान हो जो थोड़ी देर तक दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तो तुम्हें ये कहना चाहिए, वो याकूब बता रहा है कि बल्कि तुम्हें ये बात करना चाहिए, कह रहा है ये बात कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीत रहेंगे और यह या वह काम भी कर लेंगे। कह रहा है तुम जो कल की बातें कर रहे हो ना, तो तुम्हें इस भाव से कहना चाहिए, नम्रता भर के तुम्हें नम्र बन के कहना चाहिए कि चलो अगर परमेश्वर चाहेगा, अगर हम जीवित रहेंगे तो कल जो है कि ये काम या वो काम आसानी से कर लेंगे, या कल हमें परमेश्वर सही सलामत रखा, सुख से रखा, तो जरूर है कि हम जो है कि अपना ये काम या वो काम आसानी से कर लेंगे। कहता तुम जो अहंकार में कहते हो कि नहीं हम कल ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इतना कर लेंगे, उतना कर लेंगे, तुम जो ये काम करते हो कल के बारे में नहीं जानते कल क्या होने वाला है, क्या तुम जानते हो कल क्या होगा? इसलिए कहता है कि तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो, अभी दिखाई दे रहे हो, अभी लुप्त हो जाओगे। अरे भाई तुम्हें तो ये कहना चाहिए, नम्रता के साथ कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे अगर हम सुख से रहेंगे, जीवित रहेंगे, सुख शांति से रहेंगे, तो यह काम या वह काम हम कर लेंगे। पर अब तुम अपने डिंग मारने पर घमंड करते हो। पर तुम क्या करते हो? अपने डिंग मारने पे घमंड करते हो, लोगों को दिखाने में अपने आप के ऊपर घमंड करते हो कि भाई हम जो है कि अभी ये काम कर लेंगे और ऐसा कर लेंगे, वैसा बन जाएंगे। तुम क्या करते हो? सारे का काम करते हो और तुम्हारा काम जो है कि घमंड से भरा हुआ होता है। वचन कहती है तुम अपने डिंग मारने पर घमंड करते हो, मान अपने धन पर घमंड करे, न वीर अपने वीरता पर घमंड करे। कहता है तुम इंसान अचानक उड़ गए तो क्या करेगा? आज तो अपने बल पे घमंड कर रहा, मेरे पास इतनी ताकत है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अभी तू बीमार हो जाएगा, लाइलाज बीमारी लग जाएगी तो क्या करेगा, या अचानक मर जाएगा तो क्या करेगा? बुद्धि है, अपने बुद्धि के सामने तू किसी को टिकने देना नहीं चाहता। तेरे पास बुद्धि, अभी तेरा दिमाग हैंग कर देगा, तुम्हारा दिमाग जो है कि डिस्टर्ब हो जाएगा, तू पागल हो जाएगा, तेरा दिमाग फेल हो जाएगा तो क्या करेगा? बुद्धि नाशवान है, संपत्ति नाशवान है, बल नाशवान है, आज है कल चला जाएगा, संपत्ति आज है कल नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे पास बुद्धि आज है खत्म हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर कहता है अगर तुम इन सारी चीजों पे घमंड करोगे, ये जैसे है और कल चली जाएगी, वैसे आज तुम्हारे पास है यार, तुम्हारा जीवन है अभी नष्ट कर देगी, क्योंकि ये नाशवान है। इसलिए वचन कहती है अगर तुम्हें घमंड करना है तो इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता और समझता है। तू घमंड करना चाहता है तो मुझ पे घमंड करना कि मेरे विषय में तू जानता और समझता है, क्योंकि मैं नाशवान नहीं हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अगम्य हूं, अविनाशी हूं, मैं अनंत काल तक का जीविता हूं। अगर तुम्हें घमंड करना है, मेरे ऊपर घमंड कर, मेरे कामों पे घमंड कर, मेरी महिमा पे घमंड कर कि हमारा परमेश्वर ऐसा है, हमारा परमेश्वर ये कर देता है, वो कर देता है, इतना सामर्थ्य है, इतना महिमावान है, तो मेरे ऊपर घमंड कर। तुम उन नाशवान चीज पे क्यों घमंड करता? नाशवान चीजें तो नष्ट होगी तो तुम्हें भी मार डालेगी, तुम्हें भी नष्ट कर देगी। अगर तुम मेरे ऊपर घमंड करेगा जैसे मैं जीवता हूं, वैसे तुम्हें भी अनंत काल का जीविता बना। हालेलुया। इसलिए यहां घमंड के विरुद्ध में वो चेतावनी देते हुए कह रहा है कि तुम अपने जीव से डिंगे मारते हो और डिंगे मारकर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। इसलिए कहता है कि भैया तुम भलाई का काम करो,
बुराई मत करो बल्कि भलाई करो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। और जो कोई मनुष्य भलाई करता है वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करता है, और जो कोई मनुष्य भलाई के बारे में जानता है और हमारे घमंड में वो भलाई के काम नहीं करता है। जैसे में कि कोई धनवान व्यक्ति है, अगर किसी कंगाल को देखता है या गरीब आदमी को देखता है कि वो भूखा है, लाचार है, या कहीं कहीं गिर गया, या उसके शरीर में चोट लग गई, या बीमार हो गया, और वो मदद मांगता है, कहता है भैया मुझे सपोर्ट करो, मुझे जरा उठा लो, तो वो क्या समझता है, ऐसा धनवान आदमी क्या समझता है कि मैं इतना बड़ा आदमी होकर ऐसे आदमी के पास जाकर मैं इसकी मदद कैसे कर सकता हूँ। यानी वो अपने आप की बेइज्जती महसूस करता है। उस ऐसे लोगों के लिए वचन कह रही है कि इसलिए जो भलाई करना जानता है और नहीं करता तो उसके लिए पाप है, उसके लिए पाप है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा वह परमेश्वर हमेशा हर एक लोगों से कहता है तू बुराई नहीं भलाई को का भलाई को पकड़। क्योंकि आमोस की पत्री अध्याय 5 की 14 वचन में उसने कहा है कि हे मेरे लोगों, तुम बुराई को ना ढूंढो, भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहोगे और तुम्हारा यह कहना सत्य हो जाएगा कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे संग है। कहता है तुम बुराई कदापि मत करना, तुम भलाई को ढूंढना और उसी के पीछे चलने का काम करना, तब तुम जीवित रहोगे, तुम अनंत काल का जीविता बन जाओगे, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता जिंदा अवस्था तुम भी जीविता बन जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम उस जीवित पिता की इच्छा को पूरा करोगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इस परमेश्वर की सारी शिक्षाओं को सुनने के बाद हमें अपने भीतर की सारी उन संसार की भावनाएं, बुरी भावनाएं त्याग कर हमें उस परमेश्वर के सारे शिक्षाओं के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि भाई हमें बुराई नहीं बल्कि भलाई का काम करना चाहिए, हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने के बाद हमें दीन बनना चाहिए, ये नहीं कि हमें अभिमानी बने, हम अभिमानी बने, हमें परमेश्वर के सामने दीन बनना है, हमें परमेश्वर के सामने दुखी होना है, हमें शोक करना है, रोना है, गिर पश्चाताप करना है, पापों को याद करके अपने आप को घिनौना बनाना है कि प्रभु मैं तेरा नाम लेने के लायक नहीं, प्रभु मैं तेरे सामने खड़ा होने के लायक नहीं, क्योंकि तू पवित्र मैं पापी, लेकिन हे परमेश्वर तू धन्य है जो इस आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में सिर्फ तू ही है जो पापियों को धोकर तू शुद्ध कर सकता है। इसलिए प्रभु तू ही है क्या इकलौता हुआ परमेश्वर है, इसलिए मैं तेरा नाम लेकर कहता हूँ प्रभु मुझे धो दे, प्रभु मेरे पापों को मेरे जीवन से मिटा और मुझे माफी दे, ताकि मैं निष्पाप और निष्कलंक बनूं, मेरी देह पाप के बंधन से छुड़ाई जाए, प्रभु मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, हमेशा हमें परमेश्वर के अधीन होकर, उस परमेश्वर के अधीन होकर हमेशा शैतान के विरुद्ध रहना चाहिए, ये नहीं कि परमेश्वर के विरुद्ध, शैतान के विरुद्ध रहो, जो शैतान चाहता है उसका काम नहीं, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा काम करो, अपने हाथों को बुराई से बचाओ, अपने हृदय को उस दोचित्त की भावनाओं से बचाओ, परमेश्वर के समीप आओ, अवश्य है कि परमेश्वर आपके समीप आकर आपको अनंत जीवन का वारिस बनाए। आमेन। आइए आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर का ध्यान करिए। हम सबसे पहले अपने अपराधियों को याद करके उन्हें क्षमा देते हैं। जिन जिन लोगों से तू तू मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े अनबन हुआ है, हर एक को क्षमा करिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए, अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए, मित्रों को क्षमा करिए, नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए, हर एक को क्षमा करिए, जिन जिन लोगों से तो मैं लड़ाई झगड़े अनबन हुआ है। हर एक को क्षमा करिए।
प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी, इसलिए क्षमा करो। यदि आपने क्षमा कर लिया है तो अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने रोइए और गिड़गिड़ाइए, माफी मांगिए, उसे याद करिए, कबूल करिए, प्रभु के सामने अपने आप को दोषीदार ठहराइए। क्योंकि हर एक पापों का मैं नाम बता रहा हूँ, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दाइच्छा रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, गर्भपात करना पाप है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी को धोखा देना, चुगली करना, श्राप देना, घात करना पाप है। यदि आपने ऐसा काम किया है प्रभु के सामने उसे कबूलो, प्रभु के सामने उसे कबूलो और स्वयं को दोषीदार ठहराओ कि प्रभु मैंने चोरी किया है, झूठ बोला है, गाली दिया है, भला बुरा दाइच्छा रखा, हत्या किया, बुरे विचार, व्यभिचार, गर्भपात, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारे, लोभ लालच रखा, घात किया है, धोखा दिया, चुगली किया, श्राप दिया, ये सारे गंदे घिनौने काम किए, आज इन्हीं का देन है कि मेरे शरीर में बीमारियां लगी हुई, मेरे शरीर में जो बीमारी है मेरे पापों का कारण है, प्रभु मेरे पाप का कारण है कि मेरे बच्चे पीड़ित परेशान है, मेरे घर में समस्या, परिवार में समस्या है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मेरे रोजी रोजगार के अंदर हानियां है, नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर घटी पे घटी हो रही है, हानियां पे हानियां हो रही है, कारण हमने पाप किया। पाप का कारण जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती, जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता, मेरे पाप का कारण है दुष्ट आत्मा है, जब चाहती है हमारे जीवन में आकर तबाहियां मचाती है, मचाकर हमें नुकसान देती है, मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी बचा नहीं पाता क्योंकि मेरा पाप मुझे कैद करके रखा है, मेरा पाप मेरे जीवन में श्राप बन के उतर गया है और मुझे नाश कर रहा है। तू ही एक परमेश्वर जो मेरे पापों को मुझसे छुड़ा सकता है, मुझ पापी पर दया कर दो, मेरे पापों को क्षमा कर दो। यदि तू क्षमा करेगा मेरा जीवन बच जाएगा, तू क्षमा करेगा बीमारियां निकल जाएगी, दुख चला जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, हर एक परेशानियां जीवन से खत्म हो जाएगी, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। बंद करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए, मेरे साथ बोलिए, हे प्रभु जैसा मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। जिसके शरीर में जहां बीमारी है बीमारी पे हाथ रखे, जिसके शरीर में एक या दो बीमारी है बीमारी पे हाथ रखे, जिसके शरीर में कई बीमारी हो दोनों हाथ सीने पर रखे, जिसके शरीर में बीमारी ही नहीं है वह भी दोनों हाथ सीने पर रखे। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए क्योंकि मैं प्रभु के नाम से हर एक के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अवश्य कि प्रभु आपको छुएगा और आपके शरीर से जो भी बीमारियां वह दूर होगी। पूरे विश्वास में भरते जाइए, महसूस करिए प्रभु आपके सामने खड़ा है, महसूस करिए प्रभु आपके सामने खड़ा है, महसूस करिए प्रभु आपके सामने खड़ा है, पूरे विश्वास में भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया।
ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तू स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। मेरे महान परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे हुए शेदे के खून से लगभग घायल हाथों को बढ़ाकर ही परमेश्वर हर एक के शरीर को स्वस्थ होने दे, हर एक के शरीर को सूले, हर एक के शरीर को सूले, ताकि इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से हर एक बीमारी इसी क्षण शरीर छोड़े और बाहर निकल ले पाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि हर एक बीमारी से इच्छा निकल जाए, क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमें अधिकार दिया, काम है तुझे सांप और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूँ इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से हर एक बीमारी से इच्छा शरीर छोड़े और बाहर निकल ले पाए। सर का दर्द, सर का चूहा नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, शक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु के नाम से आगे आता हूं कि तुम्हारी आंखों की बीमारी निकल जाए, आंख की बीमारी नष्ट हो जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे, कान की बीमारी निकल जाए, कान का बहना बंद हो जाए, कान का बहना बंद हो जाए, कानों का दर्द निकल जाए, कानों में अच्छे सुनाई देना चालू हो जाए। प्रभु के नाम से दांत का दर्द, दांत की पैरियां नष्ट हो जाए। प्रभु के नाम से गले की गिल्टियां निकल जाए, सीने की गिल्टी नष्ट हो जाए। प्रभु के नाम से सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी निकल जाए, साठिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु के नाम से आगे आता हूँ तुम्हारे शरीर से ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु के नाम से आगे देता हूँ कि तुम्हारे शरीर से दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर की बीमारी नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, थोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु के नाम से आगे देता हूँ जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, ब्लड बनना चालू हो जाए। प्रभु के नाम से ब्लड बनना चालू हो जाए, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु के नाम से आगे देता हूँ तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए, सूजन हो तो निकल जाए। प्रभु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए। प्रभु मसीह के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, बाबा सिर की बीमारी नष्ट हो जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जुकाम, खांसी, बुखार नष्ट हो जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में पथली है, पथली यीशु के नाम से गायब हो जाए, पथली यीशु के नाम से गायब हो जाए। प्रभु के नाम से उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो निकल जाए, चर्म रोग हो तो निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग हो तो निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए। प्रभु के नाम से आगे देता हूं तुम्हारे शरीर से पीलिया स्टेनोफिलिया की बीमारी निकल जाए, पीलिया स्टेनोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू और पानी की बीमारी निकल जाए, लहू और पानी की बीमारी निकल जाए, लहू और पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु के नाम से आगे आता हूं तुम्हारे शरीर से और तुम्हारे घर के अंदर से प्रभु की वचन दुष्ट आत्माएं से छन निकल जाए, दुष्ट आत्माएं से छन निकल जाए, दुष्ट आत्माएं से छन निकल जाए। प्रभु के नाम से आगे आता हूं हे गंदी आत्मा इनके शरीर के घर इनके परिवार को छोड़ और बाहर निकल, क्योंकि यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं दोबारा इनके शरीर को हाथ न लगाना। प्रभु के नाम से आगे आता हूं हर प्रकार की गंदी आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान ना हो परमेश्वर प्रभु परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे आता हूं जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, यीशु मसीह के नाम से उसका गर्भ फलवंत हो जाए, उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। प्रभु यीशु के नाम से उसके गर्भ का सारा बंधन टूटने पाए। प्रभु यीशु के नाम से गर्भ में यीशु मसीह के नाम से संतान की उत्पत्ति हो, गर्भ का फल उत्पन्न होने पाए। ओ महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के जीवन में तू अपना अनुग्रह कर मेरे प्रभु, ताकि हर एक के जीवन में जो भी परेशानियां वह दूर होने पाए। हे परमेश्वर कोई भी प्रकार की परेशानियां हो नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर हर एक के लिए आकाश का झरोखा खोल और हर एक के ऊपर अपनी आशीष की वर्षा होने दे, वो आशीष से हर एक को उतरने हर एक के ऊपर उतरने दे, ताकि वो आशीष से हर एक को स्पष्ट करने पाए, हर एक की बीमारियों को दूर करे। वो महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर का झरोखा खोल और अपने पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर उतरने दे, वो आत्मा हर एक को सुने, अस्पष्ट हो और
महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ पिता, हरेक को तेरा स्पर्श होने पाए, हरेक को तेरा स्पर्श हो जाए, हरेक को पवित्र आत्मा सुले हाँ मेरे महान परमेश्वर, ताकि इनके शरीर में सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, हर बीमारी इसी क्षण शरीर छोड़े और बाहर निकल पाए। मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ हरेक के जीवन में तेरा अनुग्रह होने पाए, हरेक के जीवन में तेरा अनुग्रह होने पाए, हरेक के जीवन में तेरा अनुग्रह होने पाए। अभी कोई बहन है जिसके पित्त के थैली में पथली है, कोई बहन है जिसके पित्त के थैली में पथली, डॉक्टर ने पथली बताया, जिसकी वजह से उसको हमेशा उसका जी के अंदर मचलाहट बनी रहती है और नाना प्रकार की समस्याएं, दर्द भी हमेशा बना रहता है। लेकिन आज प्रभु बता रहा है कि उस बहन को जो पथली की शिकायत है, आज से उसके शरीर की पथली गायब हो रही है, पथली गायब हो रही है, प्रभु उसे छूकर चंगा कर रहा है। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं दिले वैसे केरे दिवासा ओसरंदवासा करंदले वैसे लेरदा। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं के जीवन में तेरा अनुग्रह होने पाए। हे परमेश्वर हरे को सु और हरे को चंगा होने दे। जितने लोग तेरे आशीषों को ग्रहण कर रहे हैं, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हरे के जीवन को तू स्पर्श होने दे, हरे के जीवन को स्पर्श कर, ताकि उनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियां है, नष्ट होने पाए, वो सारी परेशानियां नष्ट होने पाए। कोई भाई है जिसका गला हमेशा जाम पड़ा रहता है, कोई भाई है जिसका गला हमेशा जाम के नुआ बना रहता है, हमेशा कब की गायब बनी रहती है और वह भाई काफी परेशान है इस समस्या को लेकर काफी परेशान है। लेकिन अभी प्रभु उसके गले को छू रहा है और उसके गले पूरी तरह से हल्के हो रहे हैं, गले का भारीपन दूर हो रहा है। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं हर एक जीवन में। कोई बहन है जिसका नाम लीली है, उसके शरीर के अंदर नाना प्रकार की कई बीमारियां है। अभी प्रभु हमें बता रहा है कि उसके शरीर के अंदर जो भी बीमारियां हो, वो सारी बीमारी अभी इसी क्षण इस संदेश के दौरान अभी निकल रही है। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, हे अनुग्रह करने वाला प्रभु अपने भारी अनुग्रह से भर दे, ताकि हे परमेश्वर इन सबके जीवन में जितने दुख हो, तकलीफ हो, बीमारियां, कलेश, उपद्रव बिल्कुल नष्ट होने पाए, इनके शरीर के अंदर कोई बीमारी हो तो दूर होने पाए, हर बीमारी इसी क्षण निकल जाए। ओ महान परमेश्वर में प्रार्थना करता, कोई बहन है जिसके शरीर के अंदर लहू की शिकायत है, कोई बहन है जिसके शरीर में लहू की बीमारी है और उस बीमारी को लेकर वो काफी चिंतित है, लेकिन अब भी उसे प्रभु का स्पर्श हो रहा है और आज से उसके लहू की बीमारी उसके शरीर से जा रही है। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं हरेक को तू छू और चंगा कर। अभी ऐसे तीन लोग ऐसे हैं जिनके घुटने में दर्द हो रहा है, और उन्हें प्रभु अभी छू कर चंगा कर रहा है। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ हरेक के जीवन में तेरा अनुग्रह होने पाए, हरेक के जीवन में तेरा अनुग्रह हो परमेश्वर, हरेक के ऊपर तेरी महिमा प्रकट होने पाए, ताकि जितने भी आशा और विश्वास में लगे हुए पिता परमेश्वर उनकी आशा और विश्वास को पूरा होने दे। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु हरेक के जीवन में तेरा अनुग्रह होने पाए। अभी तीन लोग ऐसे हैं कि जिनके सर में भयंकर दर्द बना रहता है, जिनके सर में दर्द हमेशा बना रहता है, अभी प्रभु ने छू रहा है और सर का दर्द अभी गायब हो रहा है। कोई भाई है जिसका नाम जय राम है, उस भाई के शरीर के अंदर हमेशा कलकलाहट सी बनी रहती है, खुजलाहट सी बनी रहती है और वो भाई काफी परेशान है। लेकिन अभी अभी प्रभु संदेश दे रहा है उस भाई के लिए कि आज से उसके शरीर के अंदर जो कलकलाहट और खुजलाहट भरी रहती है वह आज से बिल्कुल गायब हो रही है।
और मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, हर एक के जीवन में है परमेश्वर तू अपनी महिमा प्रकट कर, ताकि जो लोग है परमेश्वर पूरी आशा पूरे विश्वास में तुझसे आशीष ग्रहण करने के लिए तैयार है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक के जीवन में तेरा तेरा अनुग्रह हो, हर एक को तेरा स्पर्श मिले, ताकि इनके जीवन की सारी तकलीफें सारी बीमारियां, चाहे घर की हो चाहे परिवार की हो चाहे शरीर की हो चाहे बच्चे के जीवन की हो, हे परमेश्वर वो सारी परेशानियां दूर हो जाए, इनके रोजी रोजगार से संबंधित हो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपनी आशीष इनके शरीर के ऊपर उतरने दे, घर परिवार के अंदर उतरने दे, ताकि घर का भंडार सदा भरा रहने पाए, किसी वस्तु की कभी घटी ना हो, हर घटी को बड़ी में बदल दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर कि हे परमेश्वर जिसके जिसके पास रोजगार है, हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में उसके गरीबी के श्राप के जो बंधन है वह टूटने पाए, जो कर्ज से दबा हुआ है जिसके सर पे कर्ज है उसका कर्जा अदा होने पाए, हे परमेश्वर जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं घर नहीं, यीशु मसीह तेरे नाम से उसके रहने के लिए घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं यीशु मसीह तेरे नाम से चलने का साधन हो जाए। ओ महान परमेश्वर इनके जीवन में जो कुछ जरूरत है आज यीशु मसीह तेरे नाम से प्राप्त होने पाए, इन्हें मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए, मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने बहुतों को आशीषित किया है, इसलिए अपने शरीर को भली भांति आजमाइए, चेक करिए जिसको प्रभु ने चंगा किया, और जरूर है कि अपनी गवाही कमेंट के माध्यम से मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेजें, क्योंकि गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, और जब परमेश्वर की महिमा होती है तो जिसके द्वारा महिमा होती है परमेश्वर उसके जीवन में भारी आशीष देता है, इसलिए गवाही को जरूर हमारे पास अपने नाम पता फोन नंबर के साथ भेजिएगा। और दूसरी सूचना आपको है कि जिनके शरीर में या जिनके जीवन में ज्यादा कठिन समस्याएं हैं, जो प्रार्थना आप करते हो नहीं जा रही है, काफी परेशान हो नहीं समस्या जा रही है, जरूर है कि अपनी समस्या को भी अपने नाम पता फोन नंबर के साथ अपनी सारी समस्याओं को लिखकर हमारे पास भेजिए। जरूर है कि अगले बुधवार को, क्योंकि मैं हर बुधवार को ऐसे लोगों के लिए रात को 8 बजे ऑनलाइन होकर उनकी समस्या के लिए मैं एक एक करके प्रार्थना करता हूँ, जरूर है कि आप अपनी समस्या को भेजिए, और आप भी बुधवार को रात 8 बजे ऑनलाइन होकर अपनी समस्याओं के लिए अपने नाम की आशीषों को ग्रहण करिए, जरूर है कि स्वर्ग का परमेश्वर आपको भला चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो हमेशा परमेश्वर के अधीन रहिए, परमेश्वर से जुड़े रहिए, परमेश्वर के अधीन होकर उसकी बातों को सुनिए मानिए और उसके मार्ग पर चलिए, जरूर है कि परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ा पाए। परमेश्वर हरि को आशीष दे।